हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम। आज हम निकल पड़े हैं रास्ते में। ये वही रास्ता है जो अभी इंडिया की टॉप न्यूज़ में आ रहा है, जो कि है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जैसे कि अटल सेतु, जो कि कल मोदी जी आके उसका इनॉग्रेशन किया है। तो हमने सोचा चलो आज देख लेते हैं। तो हमारे घर से 25 मिनट्स का रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। फिर हमने टोल क्रॉस किया। हमारे थोड़ा सा टेंशन था कि टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। देवराज बता रहा था कि टोल लगेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, हमें समझ में नहीं आएगा। बट बाद में हमने चेक किया तो टोल नहीं लगा। ये जो रोड देख रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ही बढ़िया है। समुंदर में ऐसे पिलर बना के ये रोड्स बनाया गया है। दोनों तरफ समुंदर, बीच में से रास्ता, सच में एक ड्रीम जर्नी यू कैन से। आप अपना स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स रख सकते हो, बट हम पहले दिन ही उतने स्पीड से नहीं जा रहे थे। सी का मज़ा लेते हुए हम चल पड़े। बहुत लोग देखो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आ गए, कहीं जगह पे उतर के फ़ोटो ले रहे, सेल्फी ले रहे। तो हम नहीं लिया, बाद में हम आते टाइम लिया था। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस, दूर से आप देख पा रहे हो वो ब्रिज कैसे जा रहा है समुंदर के ऊपर से। यहाँ पे कल मोदी जी आए थे तो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। तो आप देख पा रहे हो कि ट्राई कलर का जो लैंप्स है, उन्होंने फूल के साथ, पत्ते के साथ इसका सजावट किया। ये जो बहुत सारे बैलून्स आप देख रहे हो, उसमें मोदी जी का नमस्ते किया हुआ फोटो था। ओवरऑल द जर्नी इज़ वेरी नाइस। कब ये 20-25 मिनट्स चला जाता है आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में कुछ कुछ जगह पे विजन ब्लॉक किया गया है समुंदर का, मे बी फॉर द सिक्योरिटी रीजन, वी डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर ओपन, सो यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ द सी ऑल्सो। राइट साइड में उलवे सेक्टर आता है, तो उलवे सेक्टर क्रॉस करके हम जा रहे थे आगे। लेफ्ट में मुझे लगा कि वो एलिफेंटा केव्स था, जो थोड़ी देर पहले आपको जो पहाड़ दिखने को मिला। बीच बीच में रेस्क्यू स्टेशन भी किया गया है, जहाँ पे कुछ इमरजेंसी में आप वहाँ पे रुक सकते हो। वहाँ पे अलार्म भी है, फ़ोन नंबर्स दिया हुआ है। यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। नाउ फ्रॉम द सामने जो नज़ारा है, उसमें से आपको पता चल गया कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुंबई। यहाँ से तीन रोड जाता है, एक वडाला के तरफ, एक कोलाबा के तरफ और एक मुंबई पोटिया सीवरी की तरफ। तो हमने सीवरी वाले आउटलेट लिया था, क्योंकि हमें लौट के फिर से आना था इधर ही, कोलाबा तरफ नहीं जाना था। अभी समुंदर का पार्ट ख़त्म हो गया है, दैट इज 16 किलोमीटर्स विच वॉज ऑन द सी, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सीलिंग की 21.8 किलोमीटर्स। सो अभी हम मुंबई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं थ्रू सीवरी आउटलेट, बट आप कोलाबा का भी ले सकते हो या फिर आप वडाला के भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखो क्लियर दिखाई दे रहा है वडाला, कोलाबा एंड मुंबई पोर्ट और सीवरी। तो हमने सीवरी वाला पार्ट लिया, क्योंकि हमें यू टर्न लेके लौटना था। इट वाज जस्ट अ जर्नी टू एन्जॉय द ड्राइव ओवर द ब्रिज। यहाँ के ब्रिजेस का बहुत सारे आउटलेट्स बन जाता है, तो हम जाते जाते गूगल भी उतना आप अपडेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ सेकेंड डे, सो आई थिंक गूगल इज़ नॉट ऑल्सो अपडेटेड, धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीवरी आ गए, यहाँ पे लोकल ट्रेन जा रहा है देखो। फिर हमने यू टर्न लिया, कुछ टाइम चलने के बाद हमने अकॉर्डिंग टू गूगल हमने गलत रास्ता ले लिया था। फिर लोकल लोगों से पूछ के फिर हम लोगों ने सही रास्ते पे आ गए थे, जो कि सीवरेज से ब्रिज के ऊपर आने का जो
आना है। अभी देखो हम बीच में, ब्रिज रास्ते में आ गए हैं एकदम। ये है सीउरी की तरफ रास्ता, दोनों साइड समुंदर है और ये है ब्रिज। हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुका समुंदर के व्यू लेने के लिए। बहुत ही हवा चल रहा था। कल ये घर दिख रहा है, कल मैंने घर से ब्रिज दिखाया था, आज मैंने ब्रिज से घर दिखा रही हूँ। सो ये ऐसे जगह पे हमने रुका है जहाँ से हमारा Entry to सोसाइटी the दिख रहा border. है। This is the road. जिसका रोड एबार দেখো পেছনে সরো তো, ये इस तरफ सी एंड हमारे पीछे भी सी। वी आर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। बहुत ही अच्छा नजारा, हवा चल रहा है मस्त, सामने पीछे समुंदर, बीच में हम लोग। कल मोदी जी आए थे, आज हवा।